और गेम्स हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ बीच बीच में खेलने के लिए। ये बैंड किस लिए? सर आप आइए, आपको जादू सिखाएंगे सर। दही पापड़ी चाट सब निकल गया। गुड मॉर्निंग घुमकड़ो, एक और दिन की शुरुआत आप लोगों के साथ। और आज की वीडियो यार बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मजेदार होने वाली है, क्योंकि ये ऑन डिमांड आपकी डिमांड पर है। क्योंकि जब मैंने लद्दाख सीरीज की थी और गोवा सीरीज की थी तो सबके कमेंट्स आ रहे थे कि आपका सही है यार, आप 10-15 दिन के लिए निकल जाते और हमारी जॉब हम कैसे जाएं। तो मैंने सोचा मैं कोई ऐसी ट्रिप करता हूं जो वन डे या टू डे की हो और जो कि आप लोग भी कर सकें, और इस ट्रिप पर ना बहुत ही मजा आने वाला है। क्योंकि जो वहां की मैंने वीडियो और फोटोज देखी है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, काफी मजेदार है। तो पूरी वीडियो देखना, आपको समझ आ जाएगा। और कार बताओ कौन सी है। और हर बार कमेंट्स आते हैं जब भी मैं किसी कार में होता हूं, ये कार कौन सी थी। और मैं बताता हूं नेक्स्ट वीडियो में, बता देता हूं कमेंट्स में भी बता देता हूं, और फिर वही कमेंट्स आते हैं कार कौन सी है, कार कौन सी है। तो इस बार मैं आपसे पूछता हूं, आप बताओ ये कार कौन सी है। और हिंट दे देता हूं, 2-3 महीने पहले मैंने डिलीवरी ली थी और डिलीवरी की वीडियो भी है मेरे चैनल पर। तो कमेंट्स कर बताना, और आपको लेके चलता हूं अब मैं उस मस्त जगह। एक बार आपको रूम का टूर दे देता हूं, उसके बाद बताता हूं कि रूम क्यों लिया है और मैं कहां पर आया हूं। ये है वॉशरूम, और इधर जाकर है रूम, ये है छोटा सा प्यारा सा सुंदर सा रूम। इधर कॉफ़ी, टीवी, अलमीरा, बेड, एसी, और इधर से व्यू है बाहर जो और रूम्स हैं। सामने देखोगे वो रूम्स हैं दो। और अब मैं स्टोरी बताता हूँ इधर की, कि ये रूम मैंने क्यों लिया है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप के सब मेरी तरह बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और यार खुश ही रहना चाहिए, क्योंकि खुश रहने से हेल्थ ठीक रहती है। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक ही फैसला लकी फैसला पर। और यहाँ मैं क्यों आया, क्योंकि यार लद्दाख सीरीज में और गोवा सीरीज में काफी कमेंट्स आए कि आप 10-15 दिन की ट्रिप करते हैं तो हम नहीं कर सकते। मैंने सोचा एक छोटी सी ट्रिप बनाता हूँ जो आपको दिखा सकूं कि आप एक दिन या दो दिन के लिए कहीं जाना चाहें तो कहाँ जा सकते हैं। तो खासकर तो ये दिल्ली NCR वालों के लिए है। आप यहाँ पर आप डे आउटिंग भी कर सकते हैं, मतलब सुबह आए शाम को चले गए, या मेरी तरह ऐसे रूम लेकर वन डे स्टे भी कर सकते हैं। वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर काफी एक्टिविटीज है, यहाँ पर कैमल राइडिंग है, ट्रैक्टर राइडिंग है, स्विमिंग पूल है, गेम्स है, इंडोर गेम्स है, और काफी एक्टिविटीज है। वो आप पूरी वीडियो देखेंगे आपको पता चल जाएगा। और इस जगह का जो नाम है ये रंगमंच है, और ये गुरुग्राम से हल्का सा आगे जाकर पड़ता है। दिल्ली से अराउंड मुझे ये 50-60 किलोमीटर पड़ा है, और 1.5 घंटा लगा मुझे यहाँ आने में। और आप आना चाहें आ सकते हैं। और इस तरह की मैंने पहले भी बहुत वीडियो बनाई है यार, जो दिल्ली के आसपास अच्छी अच्छी जगह होती है घूमने की। तो आप पहले जाकर मेरी वो वीडियो भी देख सकते हैं जहाँ आपको काफी कुछ देखने के लिए मिलेगा, और काफी नियर बाय आप घूमना चाहें तो घूम सकते हैं। और जो दिल्ली से नहीं है, बाहर से मुझे लोग देख रहे हैं, वो पूरी वीडियो देखना, क्योंकि इंजॉय बहुत होने वाला है, मजे बहुत आने वाले हैं, मस्ती बहुत आने वाली है, काफी अच्छा लगने वाला है। अभी मैं जाकर लंच करता हूं और आपको बाहर दिखाता हूं कि यहां है क्या क्या। और ये जो रंगमंच है काफी बड़ा फार्म हाउस है, काफी कुछ है। इधर देखो यहाँ पर जादू दिखा रहे, और ये पूरा स्पेस है, मेरे पीछे भी स्पेस है, और गेम्स है इस तरह की एक्टिविटीज बीच बीच में खेलने के लिए। लंच करता हूँ और लंच के बाद आपको पूरा घुमाता हूँ। लेकिन एक चीज़ है यार, थोड़ा ना मुझे गर्मी लग रही है, मौसम थोड़ा गर्म है। आप आए ना, मैं तो अभी आया हूँ अगस्त में, आप आए तो कोशिश करना दिसंबर जनवरी, मतलब जब तो मौसम थोड़ा ठीक हो, तो जब ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाकी प्रॉपर्टी काफ़ी बड़ी है, काफ़ी कुछ है इधर एक्टिविटीज़ करने के लिए, मतलब 1-2 दिन आप बहुत आराम से रह सकते हैं, बहुत ईजिली रह सकते हैं इधर। और लंच में दिखा देता हूँ मैं इधर क्या है। यहाँ पर है सैलेड, और इसमें पिकल होगा, यहाँ है चावल दाल, और ये है पनीर की सब्जी, और ये है कड़ी, ये मिक्स वेज नूडल्स, मंचूरियन, और इसमें है गुलाब जामुन। थैंक यू। ये बैंड किस लिए? सर दिस इज फॉर कॉन्फ़िगरेशन के, आप स्टे के लिए आए हैं यहाँ पे। ये स्टे वाला? स्टे वाला। खाना मैंने ले लिया है, और जो यहाँ का प्राइस है ना, अगर आप फुल डे आना चाहते हैं वो भी, या मेरी तरह वन डे स्टे करना चाहते हैं वो भी, दोनों मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा जब आपको पता चल जाएगा। जब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, आगे और भी इस तरह की वीडियो आने वाली है, और जो मेरी पुरानी वीडियो है वो देखने के लिए। और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना अगर अच्छी लगी हो, अच्छी नहीं लगी हो तो कमेंट्स कर बताना क्या अच्छा क्या बुरा लगा।
और ये है रूम होने का फायदा, धूप थोड़ी हो गई थी तो खाना खाने के बाद मैंने जाके रेस्ट किया, थोड़ी एडिटिंग कर ली। और अगर आप विदाउट रूम यहाँ पर आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 1300 रुपीज़ का फ़र्क है, तो इसीलिए मैंने सोचा रूम लेते हैं, वन डे स्टे करते हैं और जो फुल चार्ज है बताएंगे। अभी पहले थोड़ा आपको घुमाते हैं, दिखाते हैं, पहले इधर दिखाता हूँ, मैं जाऊँगा स्विमिंग पूल के पास लेकिन वहाँ गाने चल रहे हैं तो कॉपीराइट आएगा, तो उधर बाद में जाऊँगा, पहले मैं आपको इधर दिखा देता हूँ। यहाँ पर हैं कुछ ये आउटडोर एक्टिविटीज़ जो कि काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं, अभी धूप के कारण लोग कम हैं। और उधर पीछे देखेंगे तो उधर जीप लाइन है, अभी पहले मैं स्विमिंग पूल जाऊँगा फिर उसके बाद आपको इधर भी लेकर आऊँगा। इधर भी कुछ है, ये क्रिकेट के लिए है इधर, और ये काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा। ये मैं प्रतापगढ़ गया था तो मैंने वहाँ किया था, और स्विमिंग पूल के वहाँ शायद मैं ज़्यादा वीडियो ना बनाऊँ क्योंकि गाना चल रहा है, देख रहे हो आवाज़ आ ही रही है, और सामने से जीप लाइन होती है और उधर से लेकर बिल्कुल उधर कॉर्नर एंड तक लेकर जाते हैं। मैं स्विमिंग पूल पर जा रहा था लेकिन ये यहाँ के मैनेजर हैं, ये लेकर आ गए कि लाइव काउंटर है वहाँ पर, आप कुछ खा लीजिए। और क्या नाम है आपका? पवन। पवन, आप बताएंगे मुझे यहाँ क्या क्या है एक्टिविटीज़, और पूरा दिन बंदा अगर आए तो क्या क्या एक्सप्लोर कर सकता है? देखिए सबसे पहले तो हमारे पास जो मेन अट्रैक्शन पॉइंट है वो पूल है हमारा। पूल? जी हाँ, पूल के साथ आप उसमें रेन डांस है, रेन डांस इंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद आप कैमल राइड है, फिर ट्रैक्टर राइड है, हॉर्स राइड है, वो आप इंजॉय कर सकते हैं। फिर एडवेंचर एक्टिविटी आपके पास आएंगी, जिप लाइन, कमांडो क्रॉल, रैपलिंग, ये सब इंक्लूड रहेगा आपके पास। रेस्ट ऑफ फिर आप थोड़ा सा थक जाते हैं तो हमारे पास मड बाथ पूल है, वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं आप। फिर हमारे पास लाइव काउंटर है, टी स्टॉल है, वो लाइव है हमारे पास, आप थ्रू आउट डे टी इंजॉय कर सकते हैं। रेस्ट ऑफ ये लाइव काउंटर है हमारा, इसके अंदर भल्ले पापड़ी भेलपूरी ये मिलेंगी आपको। और हमारा डाइनिंग एरिया के साथ में हमारे पास लाइव काउंटर है, पास्ता, पकोड़े, फ्रेंच फ्राई, ये आपका लाइव चलता रहता है, आप थ्रू आउट डे से इंजॉय कर सकते हैं। और जो फुल डे है आपका जो आते हैं तो उसमें ये लंच डिनर इंक्लूड होता है? जी हाँ, आप जो मॉर्निंग 9:30 to 5:30 हमारी टाइमिंग है उसके अंदर आप आते हैं तो आपका ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स इंक्लूड रहता है। इंक्लूड रहता है, चलिए थैंक यू, मैं थोड़ा लाइव काउंटर के मजे लेता हूँ। पवन जी थैंक यू, ओके कर देना भैया। उधर है चाय पकौड़े, अच्छा उधर चाय पकौड़े और इधर तो पहले इसका मजा ले लेते हैं फिर उधर जाकर उसका भी ले लेंगे। और जब इधर आ गया हूँ तो थोड़ा इधर की तरफ ही एक्सप्लोर कर लेता हूँ, फिर स्विमिंग पूल की तरफ जाऊँगा। इधर ये दिखा रहे हैं मैजिक शो, और ये मैं आपको बता दूँ इसको ओपन हुए भी अभी 1 month ही हुआ है, 1 महीने पहले ये ओपन हुआ था। तो पहले मैजिक शो देखते हैं और इधर एक दो चीज़ हो रहे हैं वो करते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे, एक ही बार चलेंगे स्विमिंग पूल पर। इसमें नहीं है, हाथ खाली है सर। ना सर इसमें, सर ये भी हाथ खाली है, ए सर्दी में सुख कर। ओके अब दो कॉइन कैसे बनते हैं देखना, दो हो जाना दो बन जाना, थोड़ा सा जड़ी ले लेते हैं सर। चेक करना चिकन सर, डबल तो नहीं है, नहीं चिपका तो नहीं है, डरो। हाँ सर, दो कॉइन कैसे बनते हैं देखना, थोड़ा सा जड़ी लगाएंगे, तोड़ के दो बनाएंगे सर। वाह भाई, ओके सर आप आइए, आपको जादू सिखाएंगे सर, आइए सर। हाँ सर, फूक मारो, एक हाँ कॉइन है सर, दो फूक मार के छोड़ो। हाँ सर, 100 का नोट बन के तक। अरे सर नहीं है आपके पास, खड़े हो जाइए हम ले लेते हैं, ऐसा करो देख लो सर। हाँ सर, गलती से रख लिया था ना, बहुत खतरनाक है, काटता नहीं है, काट भी लेता तो उसके काटने से आदमी मरता नहीं है सर। ये क्या है सर? ये कबूतर, इन्हें गायब करेंगे सर, इसमें एक कबूतर है, दो बना दे। बना दे बेटा, पर्दा दिखा जलवा, कैसा जोड़ा बन के तैयार हुआ सर? सही हुआ मैं कपड़े चेंज कर कर आ गया, नहीं तो उस वाली ड्रेस में ये चीजें नहीं कर सकता था। दही पापड़ी चाट सब निकल गया, और इधर यार काफी अच्छा लग रहा है, लोग भी थोड़ा कम है क्योंकि अभी नया ओपन हुआ है, और इधर यार सच में बहुत अच्छा लग रहा है, लोग भी कम है और थोड़ा ओपन नया हुआ है, सभी लोगों को पता नहीं है लेकिन धीरे 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 लोग आने लगेंगे क्योंकि बिल्कुल दिल्ली NCR के पास है तो लोग तो बहुत आने वाले हैं। और यहाँ पर है कुआं, अगर आपको प्यास लगे तो इधर आकर फिर प्यास बुझा सकते हैं, और मैं इतना थक गया वहाँ 10-15 मिनट अच्छे से दिया तो मैं अपनी प्यास बुझा लूँ, इतना पानी तो मेरी प्यास में लग ही जाएगा। इधर है ट्यूबवेल और इधर से पानी आता है, और इधर मड बाथ है, अगर आप ज़्यादा थक जाए तो आराम से इसमें लेटिए, मत बाद लीजिए, ट्यूबवेल में आके स्नान कर लीजिए। और इधर ये क्या है,
और जो जादूगर ने कबूतर दिखाए थे वो इधर आ गए। कु 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 कु